सुहेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, सब जगह जश्न का माहौल है। उसी तरह कर्नाटक के जिले विदर्भ में भी बहुत खुशी का माहौल है। आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के तौर पर हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज हम कर्नाटक के जिले विदर्भ में जायजा लेते हुए हमारी बिजली में न्यूज़ की टीम निकली। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत से लोग एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, कोई रिलीजियस नहीं है, कुछ नहीं है, हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक लोग एक त्यौहार की तरह मना रहा है। इसी वजह से हमारी टीम आज निकली, पूरी सिटी में सर्वे कर लेते हैं, देखिए जायजा लेंगे। आज यहाँ पे कुछ बच्चे जमा हुए हैं 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। आपका नाम क्या है बच्चों? अरहान। जोर से बोलो। अब्दुल अरहान। जोर से। अरहान। अरहान। और आपका? सैयद समीर। और आपका? एमजी ज़करिया। चलो बहुत अच्छे, तो इस मौके पे क्या सुनाना चाहोगे? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिखा हमारा, ये देश के लिए जान भी कुर्बान है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और आप? चारे जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीदर 9 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मौके पर जगमगाते हुए कावन चौक के पास खड़े रहकर हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं बीदर 9 न्यूज़ चैनल के। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम हर जगह जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हमको इतनी खुशी महसूस हो रही है कि एक त्यौहार की तरह नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और अमृत महोत्सव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम 25 साल पहले हमने 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, जिसको हम गोल्डन जुबली बुलाते थे। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, जिसका नाम है प्लैटिनम जुबली। इन दोनों के बीच आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है इस बार? फ़र्क तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 50 जो हुआ है ना, वो भी त्यौहार बहुत बड़े ज़ोरों और गुल के साथ मनाया गया है, और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके फ़ोटो भी नज़र आए हैं। अब ज़रा फ़ोटो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि शहीद हुए वालों के फ़ोटो भी नज़र आना चाहिए। वही तो, यानी ये सिर्फ जो हिंदुस्तान के लिए गया है। बिल्कुल, उनको भूल चुके हैं शायद शायद, लेकिन फिर भी वो हमारे सीने में बसे वाले हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि नाम को दोबारा उजागर करने के लिए बीदर 9 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके लिए तोहफा दिया जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपका स्वागत है जी। शुक्रिया जजाक। आपका नाम? सैयद मंसूर अहमद खादरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार हम 75th इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी, तो इस मौके पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, यकीनी तौर पर ये 75वां हम यहाँ पर स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं जी, और हर भारतवासी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, और क्यों ना मनाएं, ये हमारा हक़ भी है, क्योंकि भारत को जो आज़ादी मिली है ये आज़ादी यूं ही नहीं, बल्कि कई लोगों की बलिदानों की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से, कई लोगों के जो है ना शहादतों की वजह से हमको ये कुर्बानी मिली है। हमको इसकी कदर भी करनी चाहिए और इसके लिए खुशियाँ भी मनानी चाहिए। इस मौके पर मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। महसूस हो रहा है और उन्होंने तरक्की करे। बिदर में एक बिदरी न्यूज़ का एक मैसेज सच्चा जाए। बिदर आवाम से मेरी गुजारिश है कि बिदरी न्यूज़ को बिल्कुल बहुत बड़े फार्म पर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं भारतीय जनता पार्टी बिदर सिटी का नगर अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे से। माशाल्लाह, आई एम वेरी कंग्रेचुलेशन टू बिदरी न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं जी, और आप ये भी जानते हैं कि कई क्रांतिवीर हैं जी, जिसने हमारे देश को आज़ाद किया जी। क्या आप चंद क्रांतिवीरों के नाम बता सकते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम? बिल्कुल, हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, अशफाक साहब, और काफ़ी ऐसे कई वीर हैं जो हमारे देश को आज़ाद किया।
आज उन्हीं के वजह से हम आज़ादी मना रहे हैं 75 इंडिपेंडेंस डे में, जो इस बार हमारे तिरंगे से लेकर देशवासियों में जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो प्यार हमारे देश इंडिया के लोग जो दे रहे हैं, जो जागृति, जो अवेयरनेस इस 75 इंडिपेंडेंस डे में आया है, यहाँ के बीदर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और तकरीबन कॉरपोरेट लेवल पे और इंस्टीट्यूशंस वाले पूरे लोग अवेयरनेस कर रहे हैं इसके जागृति के बारे में, तिरंगे के बारे में, यहाँ के देशवासियों में सभी कम्युनिटी के लोगों की एक खुशी की लहर है कि तिरंगा से हमारे देश से हमको बहुत ज़्यादा प्यार है। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। क्रांति वीरों के नाम बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारे बीदर 9 न्यूज़ चैनल की तरफ से ये थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आई वेरी थैंक्सफुल टू बिदरी न्यूज़। आई ग्रेटफुल टू बिदरी न्यूज़। बहुत ही जल्द से जल्द बिदरी न्यूज़ की पॉपुलरिटी मिले और तरक्की दे, और यहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से मैं न्यूज़ ब्यूरो को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बिदरी न्यूज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीगलाइज न्यूज़ है, यहाँ की न्यूज़ को डेवलप करें और इनके कारनामों को, इनके न्यूज़ को अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बीदर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? बहुत खुशी हो रही है, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये। हम जज्बाती इंसान हैं, हम ये इंडिपेंडेंस डे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोले हैं उससे बड़े पैमाने पे मनाना चाह रहे थे, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हुक्म है उसके ऊपर जो है ना, हम लोग जो है ना बड़े पैमाने पे इस इंडिपेंडेंस डे को मनाएंगे। ये हमारी आज़ादी है और हम इस देश में खुश हैं, आज़ाद देश में रहते हैं हम लोग, और हमारा मुकाम जो है ना छोटे मोटे देशों में नहीं है, बड़े देशों में, जैसा अमरीका है, जैसा ब्रिटेन है, जैसा सऊदी अरब है, वो देशों से हमारा कंपटीशन है, जैसा चाइना है, हम भी जो है ना उस देश के वासी हैं जहाँ की आबादी 130 करोड़ है और पूरी दुनिया में हमारे देश को मानते हैं लोग, जानते हैं लोग, इसी देश के हम वासी हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे कि आप जानते हैं 25 साल पहले हमने सिल्वर जुबली मनाया था, गोल्डन जुबली 50th इंडिपेंडेंस डे, और इस बार हम मनाने जा रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे जिसका नाम है प्लैटिनम जुबली। तो इन दोनों के बीच आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? ये दोनों के बीच में ये फ़र्क महसूस हो रहा है कि वो फंक्शन जो है 50 इयर्स का था और जो है ना ये हमारा जो फंक्शन है ये 75 इयर्स का है, जिसकी वजह से हम काफ़ी खुश हैं। अल्लाह ताला हमारे को ये मौका दिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, हमारे लोगों की वजह से आज हमारे देश को आज़ादी मिली है। आज हम जो है ना उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हमारे घरों में लक्ष्मी है, हमारे घरों में सरस्वती है, हमारे घरों में शांति है, और हम लोग जो है ना बहुत खुश हैं। हम हिंदू मुस्लिम मिलकर ये आज़ादी की 75 एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसमें हमारे पूरे हिंदू दोस्त हमारे साथ हैं और हम भी जो है ना उनके साथ हैं। 13, 14 और 15 अगस्त को जी सारे देश में झंडा लहराने की अपील की गई है जी, आपको क्या लगता है कि इस बात को लोग शिद्दत से फॉलो करेंगे? बिल्कुल लोग शिद्दत से फॉलो करेंगे। हमारा फाइटर्स का हम बिल्कुल नाम ले सकते हैं, अशफाकुल्लाह और जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और जो है ना ऐसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे कई लीडर हैं, भरत सिंह, भगत सिंह, और जो है ना सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर लाला लाजपत राय, हर बड़ा